बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज जो ये प्रोग्राम किया है एनवायरनमेंट डे पे, तो लोगों को एनवायरनमेंट की जो इश्यूज हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए और उन्होंने ये कदम उठाया है, तो बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या समस्याएं हैं एनवायरनमेंट की, वो एक लोगों में जागरूकता आती है, पता सबको होता है लेकिन एक इससे अवेयरनेस आप कह सकते हैं। तो सिद्धा और सेजल ग्रुप ने इसमें बीएमसी के साथ में ज्वाइन किया है और हम लोग भी, हमारी कंपनी जो कलकत्ता, जयपुर एंड मुंबई रियल एस्टेट कर रही है, तो हम लोग भी प्लांटेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने एक बीड़ा उठाया है 50,000 पेड़ लगाने का, तो हम लोगों ने 41,000 पेड़ ऑलरेडी प्लांट कर दिए हैं और 2018 तक हम लोग इस नंबर को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैन सर, अगर देखा जाए मुंबई में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, जो सिटी है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे खड़ी हो रहे हैं, गगनचुंबी टावर खड़े हो रहे हैं, ऐसे में पेड़ों की कटाई जिस मात्रा में होती है उस मात्रा में जो नए प्लांट हैं उनको लगाया नहीं जाता। बीएमसी भी दावा करती है प्लांट लगाने की लेकिन उतनी मात्रा में लग नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए पेड़ कटना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी हो जाती है। तो डेवलपमेंट के लिए ठीक है, पेड़ अगर काटने पड़ते हैं तो पेड़ उसकी बजाय 10 पेड़ की जगह 20 पेड़ या 30 प्लांट्स ये टारगेट करके लगाना चाहिए और इसमें मेरे ख्याल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोग, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, जनता भी कर रही है, जो डेवलपर है वो भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतने सेंसिटिव है। पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लोगों में पर्यावरण के प्रति एक जागृति हो और एक पर्यावरण का संवर्धन हो, उसमें हर ग्रुप क्या कर सकता है, सोसाइटी क्या कर सकती है, इंडिविजुअल आदमी क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्या कर सकती है, एनजीओ क्या कर सकती है, महानगर पब्लिक क्या कर सकती है, उसके पास में अच्छा सा एक डिस्कशन हो के हर एक ने अपना विचार मांगे और विचार के अनुसार कार्रवाई करेंगे और अच्छा कांदिवली को अच्छा पर्यावरण देके पर्यावरण का अच्छा पर्यावरण कांदिवली अच्छा पर्यावरण का निर्माण करेंगे। तो जिस मात्रा में डेवलपमेंट शहर का हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टावर्स बन रहे हैं, कुछ बिल्डर हैं कमिटमेंट जो करते हैं, पेड़ उतना कटिंग करते हैं लेकिन लगाते नहीं, ऐसे बिल्डरों पर आने वाले दिनों में क्या एक्शन होगा? डेफिनेटली जो बिल्डर जो परमिशन दी गई है उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये महानगर पालिका डेफिनेटली चेक करेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्लॉट में समझो एकाधिक प्लॉट में उनके बहुत सारे पेड़ है, मगर वो जब तक वो पेड़ काटेंगे नहीं वो उसको बांध दे सकता, बिल्डिंग बांध सकता है, मगर परमिशन में हम उसको और पौधे लगाने की हम उसमें कंडीशन होती है, हम ये कंडीशन चेक वेरीफाई करेंगे, वो डेफिनेटली वो जो कंडीशन के मुताबिक उसने पेड़ लगाया कि नहीं लगाया और लगाने के बाद उसने संवर्धन किया कि नहीं किया ये भी हम देखेंगे, और ऐसा नहीं किया तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे उपायुक्त खैरी साहब हैं और सहायक आयुक्त गायकवाड़ जी हैं, इन्होंने पिछले 3 सालों से बीड़ा उठाया है कांदिवली परिसर को स्वच्छ करने का, हरा भरा करने का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सांसद गोपाल शेट्टी, योगेश सागर जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोग मिलकर के महानगर पालिका के हमारे अधिकारियों के साथ कांदिवली को हरा भरा और स्वच्छ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी के रूप में आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सारे नगर सेवक यहाँ इकट्ठे होकर के प्रशासन को यह दम देने का, प्रशासन को विश्वास देने का काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन, महानगर पालिका जो भी पर्यावरण के बारे में कदम उठाएगी, हम सारे लोग उनके साथ खड़े होकर के कांदिवली को किसी भी हालत में हरा भरा करेंगे, साफ सुथरा करेंगे और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। भाई, पर्यावरण जो ऐसी चीज़ है उसका एक सुधारने का या उसका संवर्धन करना है एक का काम नहीं है, सब मिलके साथ में मिलके काम करेंगे तो ही पर्यावरण का संवर्धन होता है, और जिस काम के लिए प्रशासन, लोक प्रतिनिधि और नागरिक जब एक साथ में आ जाते हैं तो वो काम सफल हो ही जाता है। तो ऐसा ही आज के दिन में नागरिक, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि सबको साथ में लेके आज का ये पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए एक अलग सा एक विड़ा उठाया है, और ये जल्दी से जल्दी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे से अच्छे कामकाज हो जाएंगे और कांदिवली जल्दी से जल्दी स्वच्छ और सुंदर बनने में कामयाब हो जाएगी।